वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे, लाइक एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इन वंस लाइफ। आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट्स अबाउट इट। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक है, आई मीन टू से, मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन। सो बेसिकली स्टार्टिंग विथ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब आपको ऐसा फील होता है ना कि है ना पूरा जोन या फिर आजू बाजू का स्पेस है ना पूरा ब्लैकआउट हो चुका है, एंड यू जस्ट कीप योर सेल्फ सो आइसोलेटेड कि मतलब समझ नहीं आता है कि है ना किससे बात करे, क्या बात करे, या फिर हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू स्पीक टू ए पर्सन। एंड आप मतलब धीरे धीरे है ना इंट्रोवर्ट बनते जाते हो। आप चीज़ें शेयर करना, अपने फ्रेंड से मिलना, थोड़ा सोशलाइज करना, वो सब चीज़ें है ना कम होती रहती है दिन ब दिन। तो लाइक ये सब चीज़ें है ना अवॉइड किया जाए, या फिर ये सब चीज़ें ना थोड़ा रिड्यूस कर दे तो शायद मेरे हिसाब से हो सकता है। बिकॉज मेरे लाइफ में भी डिप्रेशन का एक फेज़ आया था व्हेन लाइक बहुत चीज़ें हुई थी पास्ट में, एंड स्पेशली व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम। सो दैट टाइम लाइक मैं भी डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी एंड ऑल, बट हैड टू कम आउट ऑफ इट। सो चीज़ें बहुत की थी मैंने भी, मतलब अभी तक वो इम्पैक्ट है लाइफ में। बोल तो नहीं सकता हूँ कि है ना डिप्रेशन पूरी तरह जा सकता है, बट डिप्रेशन को कम करने के लिए है ना, या फिर उसको है ना दूर भगाने के लिए, या फिर वो थॉट्स या फिर वो चीज़ें दिमाग में नहीं आए, तो उसके लिए बस बोलना चाहूँगा कि लाइक आप है ना अपने फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर हो या फिर भाई बहन होंगे या कोई भी होता है ना, तो जस्ट टॉक टू देम, स्पीक आउट, ओपन अप। या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन तो होगा आपके लाइफ में, आप जिनकी गर्लफ्रेंड है या जिनकी बॉयफ्रेंड है, उनकी बात अलग है, दे कैन शेयर, नहीं तो वो भी कभी कभी शेयर नहीं कर पाते, बट बेस्ट फ्रेंड के साथ तो प्रेफर करते ही है। सो वो कर सकते हो, या फिर किसी और को बता सकते हो, और यू कैन जस्ट राइट इट डाउन समवेयर, डायरी बना के उधर लिख दो। मतलब एटलीस्ट तुमको लगेगा कि है ना तुम्हारे जो अंदर के थॉट्स थे, अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर आ गई है, या फिर थोड़ा मतलब वो जो पेन या फिर वो चीज़ें होती है ना जो अंदर दिमाग में चलती रहती है वो आपको खा जाती है, तो वो चीज़ को है ना ज़्यादा डोमिनेट करने मत दिया करो, बस उसको है ना दूर रखो, उसको वो थॉट्स को आने मत दो, और बस चीज़ों को है ना लाइक जितना ज़्यादा हो सकता है ना डाइवर्ट करते रहो, और अपने आप को है ना इतना ऑक्यूपाइड रखो, इतना बिजी रखो ना कि है ना वो सब थॉट आए ना दिमाग में। बोलने के लिए तो इजी होता है, बट करना प्रैक्टिकली इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ईच पर्सन आउट देयर, बट इवन दो वी कैन ट्राई फॉर इट। इतना ही बोलूँगा कि है ना मतलब तुमको जो मर्जी होती है ना वो टाइम पे कर दिया करो यार, कि है ना आपको डायरी लिखना है, किसी के साथ शेयर करना है, फ्रेंड्स हो गया, फैमिली मेम्बर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, या फिर जो भी कोई स्पेशल पर्सन है आपके लाइफ में, एक या दो बंदे या बंदी तो होते हैं, ठीक है, हर किसी के लाइफ में, नहीं है तो जस्ट रीच आउट टू समवन जो आपको राइट वे में गाइड कर सकता हो, rather than thinking about it and just like going deep in there. वो deep situation आता है तो it's very difficult to come out of it. Literally बता रहा हूँ, बहुत difficult होता है वो situation से बाहर आना। Let it out somewhere, मतलब कुछ poetry लिखना शुरू कर दो, do something, या फिर आप कुछ रो सकते हो यार, रो दिया करो, अकेले मत रो, मतलब किसी के सामने रो दो, या स्पेस होता है ना पर्सनल स्पेस, वो पर्सनल स्पेस में रो दो या फिर वो चीज़ें निकाल दो, तो एटलीस्ट थोड़ा मन हल्का होगा, दिमाग से वो चीज़ें चल जाएगी। हाँ, ये चीज़ कर सकते हो, एंड मतलब कुछ दूसरा इंटरेस्ट पकड़ लो, या कोई चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढ लो, जैसे
लाइक मेरा जब हुआ था एंड स्टिल आई हैव दैट समवेयर इन माई माइंड इन माई हार्ट, तो वो चीज़ें जाती नहीं है, बट इवन दो यू कैन जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट और ट्राई टू लाइक लेट इट आउट बाई सम अदर वे. सो बेसिकली मेरा लाइक मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फिर मेरे जो लाइफ के ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस, जो भी चीज़ें थी मैंने चेंज की. तो मेरा जो इंटरेस्ट था जो मैंने उसके बाद बिल्डअप किया या फिर वो चीज़ें आई थी, दैट वाज विद माय बाइक्स. तो मुझे बाइक्स का उसके बाद ही क्रेज स्टार्ट हुआ. एंड फर्स्ट बाइक था वो बेच के मैंने अपनी थर्ड बाइक ली थी एंड सेकेंड बाइक उससे पहले ले ली थी. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट दैट आई हैव एडवेंचर टूर and another one is a sports tourer. It's basically a sports bike, so it can be used as a sports tourer. Basically मेरे life में वो achievement है, because वो phases आने के बाद I achieved it by myself and dad ने थोड़ा बहुत financial help किया था. and I वो चीज़ में मैं कर रहा हूँ और थोड़ा बाकी है. so I was planning to buy more bikes and I really want a bike collection in my garage. I came up with an idea of not really an idea but interest area of interest, जहाँ से मैंने अपने चीज़ें divert की और बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें मतलब shift कर दी, मेरा focus shift कर दिया. तो है ना मैं वो area से बाहर निकल पाया. and there was one girl in my life, she changed me a lot, she has helped me a lot in that case. so वो चीज़ बहुत अच्छी हुई थी. दिस वैंडलस थिंग विच आई स्टार्टेड ऑफ, इट वॉज बिकॉज ऑफ इट ओनली. यही सब चीज़ें हैं. तो वही बता रहा हूँ कि है ना चीज़ें, वो चीज़ों से है ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें ढूंढो, या कि है ना आप वो चीज़ें है ना निकाल दो लाइफ से, या फिर एटलीस्ट रिड्यूस करो रादर दैन इंक्रीजिंग इट अलॉट. और मैंने टैकल किया था. आई एम समवेयर नाउ, लाइक आई हैव अचीव्ड अलॉट, नॉट लॉट बट सम ऑफ इट, जो मेरे गोल सेटअप किए थे लाइक प्राइमरी गोल्स एंड ऑल, तो एक 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 करके जा रहा हूँ. सो इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम दैट एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. बोलना चाहता था और वो चीज़ें निकालना चाहता था सो दैट कोई भी मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स हो या फिर जो कोई भी मेरा वीडियो देखे, तो है ना उनको एटलीस्ट लगे कि है ना वो अकेले नहीं है, या फिर वो लोग है ना मतलब उनके साथ कोई है. तो बेसिकली अपने आप को अकेला मत समझो, अपने आप को है ना इतना स्ट्रांग बना दो कि है ना किसी और की ज़रूरत ना पड़े. ये चीज़ कर देना भाई, तो है ना तुम लाइफ में ना इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे ना, नहीं बता सकता मैं. सो जस्ट कम आउट ऑफ इट एंड रीच आउट टू सम पर्सन और द अदर. एंड जो दूसरे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन एनकाउंटर करते हैं, या फिर कोई ऐसा बंदा या बंदी मिलती है जो है ना बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, या फिर सिचुएशन बहुत ख़राब है उनकी, तो वो टाइम पे है ना जस्ट टॉक टू देम, जब भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जस्ट टॉक टू देम एंड जस्ट उनके अंदर की चीज़ें बस बाहर निकाल दो और उनको है ना रिलैक्स फील कराओ, उनको एक कम्फर्ट जोन दो, तो चीज़ें सब सॉर्ट हो जाती है भाई. लिटरली बता रहा हूँ, सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती है, सब चीज़ें बेटर हो जाती है उनके लिए भी, और आपको भी एक नया फ्रेंड मिल जाएगा, और क्या हो सकता है. और इनकेस जस्ट इन केस वो लाइक लड़का या लड़की जो भी है वो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन गया, तो और क्या चाहिए. ये एक अलग पॉजिटिव साइड है अगर आप ट्राई करो तो. बट जोक्स अबाउट, इतनी चीज़ें बोलना चाहूँगा, और जो भी चीज़ें हैं या फिर किसी को कोई हेल्प चाहिए या फिर मतलब ऐसे सिचुएशन में डील करना है वगैरह, जो भी चीज़ें हो, सो यू कैन रीच आउट टू मी. कैसे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है चैनल पे, सो यू कैन रीच आउट टू मी एंड कुछ भी चीज़ें चाहिए आई कैन हेल्प यू आउट. सो ऐसे सिचुएशंस में कैसे डील करना है एंड वगैरह वगैरह एंड ऑल, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. लाइक पीपल माइट हैव फेस्ड अ लॉट, लाइक मे बी सिवियर दैन दैट, एंड वो चीज़ों से बाहर आए होंगे, बट यू कैन शेयर योर स्टोरीज, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन दिस, एंड आई वुड फील हैप्पी टू सी सच पीपल्स एंड
अच्छा लगेगा सुन के तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, और आई विश कि है ना लाइक तुम्हारी लाइफ आगे जाके और हैपनिंग और अच्छी हो जाए। सो इतना ही आज के लिए, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड दैट्स इट फॉर द डे। इतना ही बात करना था, हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वैंडलस व्लॉगर, साइनिंग ऑफ यश ठाकुर। लव यू गाइस, सी या, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू लाइक शेयर टू पीपल एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल इन दिस। एंड थैंक यू गाइस, साइनिंग ऑफ। Thank you.